तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि फिर रास्ते खुले हैं नहीं खुले हैं, तो उनके लिए भी मैं एक छोटा सा मैसेज दे देता हूँ कि अभी फिलहाल, हाल फिलहाल आज की डेट में, आज संडे है और आज मैं जब शूट कर रहा हूँ, तो आज की डेट में अभी तक जो मेरे पास अपडेट आई है वो ये आई है कि NH-87 जो कि गर्म पानी से आगे निकलता है, तो गर्म पानी से आगे जो रानीखेत वाला आपका रास्ता है वो तो पूरा खुला हुआ है, तो रानीखेत तक पूरा रास्ता क्लियर है, वहां से गर्म पानी से रानीखेत तक कोई दिक्कत नहीं है, पर हल्द्वानी से जब आप कैंची जाएंगे तो वहां तक भी रास्ता क्लियर है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बट कैंची और गर्म पानी के बीच में कहीं थोड़ा सा रास्ता खराब है, तो शायद आज शाम तक वो क्लियर हो जाएगा, तो मंडे से बाइक के लिए रूट खुल जाएगा, फिलहाल बाइक के लिए रूट खुल रहा है, और अभी शायद कार वार ना लाओ हो या फिर परसों से शायद सारी गाड़ियां खुल जाएं, तो कल तक का वेट करें, मंडे तक का, और ट्यूसडे से पूरी होपफुली पूरा रोड खुल जाएगा अच्छे से, बट कल से बाइक के लिए तो ओपन हो ही जाएगा, लेकिन गाड़ी वालों के लिए एक और दिन आप वेट करें, और उसके बाद ट्यूसडे से जो भी आपका ट्रैवलिंग है वो शुरू करें, तो ट्यूसडे तक वेट कर लें, तब तक कोई रिस्क ना लें, घर पे बैठे रहें, जहां है वहीं वहीं रहें, क्योंकि अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी हैं वहीं सुरक्षित 2-3 दिन स्टे करके रखे रहें, और 2-3 दिन अगर कहीं पर आप वेट भी कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, तो वहीं पर आप रहें, और जैसे ही रोड पूरी तरीके से खुलता है और जो भी अलर्ट है वो अगर नहीं रहता है तो फिर आप वहां से घरों से निकलिए और अपनी ट्रैवलिंग कीजिए, ठीक है? सो बी सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।